नमस्कार, मैं रिचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आरोग्य में। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट बीमारी क्या है, कैसे होती है और किस तरह से इसे रोका जा सकता है, और ये सारी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर दीपक कुमार जी। तो आइए बिना देर के उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। वैद्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि आज हमारा एपिसोड जो है वो प्रोस्टेट बीमारी को लेकर है, तो मेरा पहला सवाल यही है, कितनी खतरनाक है ये बीमारी और ये कैसे होती है? ऋचा जी, प्रोस्टेट यानी के पौरुष ग्रंथि, यह पुरुषों में एक ऐसी ग्रंथि है जो कि सीमन का फ्लूइड बनाती है, और लिंग एवं मूत्राशय के बीच में ये ग्रंथि होती है। आमतौर पर 50 के आसपास आम इंडियंस के ग्लैंड्स ये बढ़ने लगती है, जिसके कारण हमारा मूत्र का रास्ता संकरा होने लगता है, पेशाब खुल के नहीं आने लगता और पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो पाती, जिसके कारण बार बार पेशाब जाने की इच्छा होने लगती है, और कई बार जब पेशाब थैली के अंदर रहने लगता है तो उसमें संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके बढ़ने से सबसे पहला नुकसान काम इच्छा की कमी होना, वीर्य का बनना कम होना एवं सेक्स की बहुत ज़्यादा कमी आना, ये शरीर के अंदर मुख्य इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके कारण जब पेशाब बार बार आने की इच्छा होती है तो नींद पूरी नहीं आ पाती, और कई बार इन्फेक्शन के कारण पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन, किडनी में इन्फेक्शन, बुखार इत्यादि होने लगता है। तो यह यदि हम अपना खान पान थोड़ा ध्यान रखें, पानी की मात्रा हम जितनी ज़्यादा सेवन करें, इसकी आदत हमको शुरू से ही डालनी चाहिए। एक स्थिति के बाद यदि हम डालें तो कोई फ़ायदा नहीं। यदि हम शुरू से ही पानी दिन में कम से कम 4 लीटर पिएं, और खाने के अंदर खटाई, तले पदार्थ, जंक फूड, मिर्च मसाले इत्यादि का हम प्रयोग कम से कम करें, तो इस प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। और 50 साल के बाद यह जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने लगता है तो अक्सर प्रोस्टेट कैंसर का यह एक मुख्य कारण भी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 साल के बाद जांच कराते रहना चाहिए, पेट के नीचे भारीपन हो, इसका मुख्य जो जांच का है अल्ट्रासाउंड है, और एक टेस्ट है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA का टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे हमको ये मालूम रहे कि हमारे शरीर के अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और यदि हम जितना फ्लैशिंग होती रहेगी और जितना हम बाई बादी की चीज़ कम खाएंगे, इसके बढ़ने की संभावना उतनी ही कम रहती है। इसलिए हमको एक उम्र के बाद अपना खान पान विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, इसके बारे में और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं पप्पू बोल रहा हूँ भागलपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्य में। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? मैं वैद्य जी को शुक्रिया करने के लिए काफी दिनों से ट्राई कर रहा था बात करने के लिए। जी वो एक्चुअली मैंने उनका प्रोडक्ट यूज करा था सेक्स वेलनेस का। जी तो मुझे बहुत फायदा हुआ है 1 महीने के लिए, और मैं ट्राई उनसे कुछ पूछना भी चाह रहा था कि अगर वो थोड़ा सा टाइम हमें दे देते हैं। मैं काफी टाइम से उनके टीवी प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी जी पप्पू प्रणाम, बोले आप, बोले बोले भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी, आपने यहाँ पे टाइम दिया। वैद्य जी मुझे सिर्फ ये बात करना था, मैंने आपका ऑनलाइन एक सेक्स वेलनेस का मैंने दवाई मंगाई थी। जी जी तो वैद्य जी मैंने उसको यूज करा, तो मुझे उससे 1 महीने का मैंने मंगाया था, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। जी और जो मेरी कमजोरी थी और जो मुझे वीकनेस था, काम करने में मन नहीं लगता था, वो सब मुझसे दूर हो गया। मतलब अब वो चीज मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग अच्छा फील करता हूँ मैं। ठीक, बहुत अच्छा है, तो भगवान की बहुत मेहरबानी है। नहीं वैद्य वो आपका कृपा है, आप बस आपका यूज किया था। मुझे सिर्फ वैद्य ये जानना था कि जैसे मैं ये दवाई खा रहा हूँ जी, तो क्या ये मुझे आजीवन खाना पड़ेगा या कुछ टाइम 6 महीना या कुछ ऐसा? आपने कितने समय इसको प्रयोग किया? अभी बस मैंने वैद्य 1 महीने का मंगाया था, आपका टीवी में प्रोग्राम भी देखा था, तो मैंने 1 महीने का मंगाया था आपके ऑनलाइन करके। जी तो अभी मुझे आप ये समझ लीजिए 22 या 23 दिन हुआ है खाते हुए। जी पप्पू जी मैं आपको कहूंगा इसको 3 से 4 महीने अभी इसको लगातार सेवन करते रहें, और साथ में मैं आपको एक बात और कहूंगा कि आप खाने के अंदर खट्टा तला भुना कम से कम सेवन करें,
जितना सात्विक भोजन आप करेंगे इसका असर उतना ही लंबा रहेगा। और आयुर्वेद की जो प्रसिद्ध दवा है शिलाजीत, जो नवशक्ति के अंदर भी है, शिलाजीत हमारे सेवन में जितना हम दूध पिए उतना शरीर को लगती है, और शिलाजीत के साथ चाय, मिर्च मसाले, खटाई, तले पदार्थ इत्यादि का सेवन ना करें। और आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई आदमी अपने जीवन काल में 1 किलो शिलाजीत का सेवन नियम पूर्वक विधि पूर्वक सेवन करता रहे तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता और उसको किसी भी प्रकार की मृत्यु नहीं होती और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का रोग नहीं सताता। और कोई भी बीमारी हमारे शरीर के अंदर हो शिलाजीत के नियमित सेवन से वह निश्चित रूप से दूर होती है। और रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारे शरीर की चेन है। इस चेन में जब भी कहीं रुकावट आएगी तो अगली चेन हमारी रुक जाती है। शिलाजीत और स्वर्ण के साथ साथ बहुत कम कुछ ही दवाई हैं जो शुक्र तक अपना प्रभाव दिखाती हैं। मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इसको सेवन करें, कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा बहुत है। और साथ में कुछ पौष्टिक चीज़ें हैं जिनका आप सेवन करें, जैसे उड़द, उड़द बहुत पौष्टिक होता है, आप उड़द का सेवन करें। और खटाई इत्यादि बिल्कुल सेवन ना करें। जैसे सिम्बल है, सिम्बल जिसको सेमल भी कहते हैं, इसका फल बहुत पौष्टिक होता है, इसकी सब्जी बहुत खाई जाती है, इसकी जड़ भी बहुत अच्छी है, लोग जड़ को कूट को सुखा करके इसको सेवन करते हैं, शरीर में पौष्टिकता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ यदि हम 1 से 2 छुहारे रात को दूध में पकाकर सेवन करते रहें तो हमको शरीर के अंदर बहुत बल भी बढ़ता है, ताकत भी बढ़ती है और हमारा बाजीकरण भी होता है। आप इस किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसको प्रयोग करते रहें 3-4 महीने, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको मिल भी गया। और इसको थोड़ा ब्रेक देने के बाद अगर दोबारा भी इसको प्रयोग करना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई घटक ऐसा नहीं है जो हमारे शरीर में विपरीत प्रभाव दिखाता हो, आप इसको नियमित रूप से सेवन कर लें। थैंक यू पप्पू जी हमें कॉल करने के लिए और अपनी फीडबैक देने के लिए। और इसी के साथ साथ हम दुआ करेंगे कि आप जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। और बाकी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपकी भी कोई समस्या है किसी भी बीमारी से जुड़ी तो इन नंबर्स पर कॉल करना मत भूलिएगा जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, और इन्हीं नंबर्स पर आप औषधियां भी ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी के साथ वैद्य जी आपके ही एक पेशेंट हैं जिन्होंने आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से एक आदर्श उपचार पाया है, आइए आपको भी दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम राजबाला है, मैं मेरठ से हूँ। मेरी प्रॉब्लम थी, फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम थी मेरे को यूट्रस में, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके लिए मैंने पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया, 6-7 महीने तक लगातार ट्रीटमेंट चलने के बाद भी वही प्रॉब्लम रिपीट होती रही और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए डेट दे दी थी। लेकिन मेरी सिस्टर का डॉक्टर दीपक कुमार जी के पास ट्रीटमेंट चलता है, तो उसने मुझे बोला कि एक बार यहाँ पर इलाज अपना करा लो। और जब से मैंने वैद्य जी की दवाइयाँ खाई हैं तब से मुझे ना वो प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई और तरह की कमज़ोरी फील होती है, और लगातार अपना चेकअप मैं कराती रहती हूँ। कोई फाइब्रॉइड्स नहीं है, कोई सिस्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक अपना डेली रूटीन जो चल रहा है, उसके लिए वैद्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैजी राज बालाजी मेरठ से, जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड की दिक्कत थी और काफ़ी टाइम इन्होंने मेडिसिंस की, जो एलोपैथी मेडिसिंस होती हैं वो इन्होंने काफ़ी ट्राई किया, बहुत जगह से इन्होंने मेडिसिंस ली लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अपनी सिस्टर के कहने पर आप तक पहुंची और आपसे मेडिसिन लेकर आज कहीं ना कहीं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएं इस केस के बारे में। ऋचा जी, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हो गई, हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती। आदमी हो, औरत हो, बहुत ज़्यादा तनाव हमारे दिमाग में रहने लगा, काम का प्रेशर, और काम के साथ साथ अपना फैमिली को किस तरह मेंटेन करें इस चीज़ का प्रेशर, अपना स्टेटस मेंटेन रखने का प्रेशर, बहुत से प्रेशर ऐसे हैं जो लेडीज़ के घर में अक्सर दिमाग में घर कर जाते हैं। और हम अक्सर अपने पेट का ध्यान नहीं रख पाते जिसके कारण हमारा बॉडी डिटॉक्स नहीं कर पाता, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती जाती है और अक्सर लेडीज़ में इस तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अक्सर जब पीरियड्स की दिक्कत आती है तो शुरू में कोई भी लेडीज़ इस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं देती और बाद में ये चीज़ें विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो हम अपनी जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं अपनी पैथी में, तो सबसे पहले सर्वे रोग मलाशरा, सब रोगों की जड़
पेट है, तो हम सबसे पहले पेट को साफ करते हैं और बॉडी किस तरह डिटॉक्स हो इसका विशेष ध्यान रखते हैं। और आयुर्वेद की एक बहुत प्रसिद्ध दवा है लोह रसायन, जिसका मुख्य घटक एक शिलाजीत भी है, भैषज रत्नावली की है, दूसरा मेदनाशक है गोधनवटी। तो मैंने इनको ये प्रयोग कराई, इनको पीरियड की समस्या थी उसके लिए प्रदर रिपू का सेवन कराया, धीरे धीरे इनकी जो फाइब्रॉइड्स थी उनका शेप कम हुई और वो नॉर्मल आई, इनकी जो ब्लीडिंग एक्सिस होती थी धीरे धीरे वो ठीक हुई और भगवान के आशीर्वाद से आपने देखा अब ये बिल्कुल ठीक है। तो एक कारण और दूसरा निवारण, हमको ट्रीटमेंट से पहले हमेशा यह देखना चाहिए कि इसका कारण क्या है। यदि हम बीमारी का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको सफलता कभी नहीं मिलेगी, और हम बीमारी के साथ साथ उस कारण का भी ट्रीटमेंट करेंगे जिस कारण से बीमारी बनती है, तो उसका ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से हमको लाभ भी मिलेगा और हमें उसका निवारण भी मिलेगा। तो मैंने इनको ये प्रयोग दिया, इनकी बॉडी डिटॉक्स कराई, धीरे धीरे इनको लाभ मिला, आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। और इस तरह की बीमारी में खान पान विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, खट्टा मिर्च मसाले तले पदार्थ इनको हम कम से कम सेवन करें। चाय जो लोग बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं उनको अक्सर कब्ज रहने लगती है, उबासी आने लगती है, हमारे ब्लड में जो है विभिन्न प्रकार के टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं, तो हमको चाय मिर्च मसाले से बचना चाहिए। बीमारी के बाद यदि हम जितना सात्विक भोजन प्रयोग करेंगे उतना हमको जल्दी लाभ मिलेगा, और यदि हम सात्विकता अपने जीवन में बनाए रखेंगे तो हो सकता है शायद कोई बीमारी हमको ना सताए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि आज हम प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो गई है किसी भी कारण से, या जो भी कारण आपने बताए उन्हीं कारणों से, तो उन्हें खान पान में कितना ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या ध्यान में रख के उन्हें अपना जो लाइफ स्टाइल है वो तैयार करना चाहिए। और कहते हैं, लोग कहते हैं कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ऋचा जी, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। उसके पीने से ये फायदा होगा, एक तो हमारी बॉडी के ऑर्गन सब एक्टिवेट रहेंगे, बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो हमारे पास आउट रहेंगे, और प्रोस्टेट में वेग बना रहा सतत, स्वल्प मूत्र पहचान, मूत्राशय में जलन हो लक्षण का कर ज्ञान, पीड़ा गुर्दे की कभी उठती है तत्काल, शमल मूत्र अवरोध से रोगी हो बेहाल। इस बीमारी में पेशाब हमको बार बार और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आता है, खुलकर नहीं आता। यदि हम जितना पानी ज़्यादा सेवन करें तो उतनी ज़्यादा फ्लशिंग होगी और इस तरह की ग्रोथ भी रुकती है, बॉडी के टॉक्सिन्स भी पास आउट होते हैं, और आने वाले जो इन्फेक्शन्स के कारण कुछ बीमारी हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। इसके कारण कई बार किडनी इन्फेक्शन भी हो जाता है, पीड़ा गुर्दे की कभी उठती है तत्काल, कभी कभी एकदम किडनी के अंदर बहुत दर्द होता है, अरे पेशाब कई बार जब पड़ा रहे तो उसके अंदर, चाहे वो ट्रिपल फास्फेट के कारण हो, यूरिक एसिड के कारण हो, नीरिज के कारण हो, कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण हो, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हो, मैग्नीशियम ऑक्सीलेट के कारण हो, पथरी बनने लगती है। अक्सर जब ये दिक्कत होती है तो पेशाब में इन्फेक्शन के साथ साथ कई बार किडनी में या पेशाब की थैली में पथरी भी बन जाती है। तो हम जितना पानी पिएंगे फ्लशिंग उतनी ज़्यादा होगी, डिपॉजिट उतना कम होगा, तो हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इस प्रकार की बीमारी में खास तौर से बाई बादी की चीज़, खटाई, तले पदार्थ और जंक फूड, इनसे हमको ज़रूर बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और भी सवाल जवाब हैं जो हम आपसे करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं। और ब्रेक पर जाने से पहले आपको ज़रूर एक बार रिमाइंडर देना चाहूँगी कि किसी भी बीमारी से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है तो उसका हल आपको यहाँ पर मिल सकता है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और इसी के साथ साथ नंबर्स पर और ऑनलाइन आप औषधियां भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद।